बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दिस इज़ शफकत महमूद यूसुफ ज़ई एंड टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और जब आप इंशाल्लाह ये वीडियो देख लेंगे तो आप जो है ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 को इंशाल्लाह समझ लेंगे। इस ये जो है सेक्शन जो है सेक्शन है 2 सब सेक्शन है 9, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2017 के। आज हम इस सेक्शन को इंशाल्लाह समझेंगे और इस सेक्शन में जो है हम समझेंगे बॉडी कॉरपोरेट को। बॉडी कॉरपोरेट को आज हम समझेंगे भाई, बॉडी कॉरपोरेट क्या चीज़ है और जब हम इसको समझ लेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि लफ्ज़ ये जो बॉडी कॉरपोरेट इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब क्या है। तो कोई भी बॉडी हो अगर वो चार कंडीशन को फुलफिल करें तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये बॉडी कॉरपोरेट है। इसके जो डिफिनीशन है जो हम एक्ट में दिया गया है वो इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि एक्ट में क्या कहा गया है, मगर सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम इस चीज़ को सबसे पहले समझें कि ये जो है इसका मतलब क्या होता है, बॉडी कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है। उसके बाद जब हम समझ जाएंगे कि बॉडी कॉरपोरेट का मतलब क्या है तो उसके बाद हम खुद बहुत ही समझ जाएंगे कि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है। तो कोई भी बॉडी हो जब वो किस चार कंडीशन को फुलफिल करें तो हम उसको कहेंगे कि ये बॉडी कॉरपोरेट है। फॉर एग्जांपल जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो है अ बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। वो बॉडी जो के रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, चाहे वो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से रजिस्टर्ड हो या किसी और मुल्क के कानून के जो उनका जो कानून होगा रजिस्ट्रेशन का कंपनीज के हवाले से अगर उसमें वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि इट शुड हैव सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। यानी कि वो जो बॉडी है उसकी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होनी चाहिए भाई, मतलब कि उस बॉडी के अपने राइट्स होने चाहिए, अपने ऑब्लिगेशंस होने चाहिए और उस बॉडी के जो मेंबर हैं उनके राइट्स और उनके लाइबिलिटी अपने राइट्स होने चाहिए, अपनी लाइबिलिटीज होनी चाहिए। यानी कि जो बॉडी के मेंबर्स होंगे उनके अलग राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे और जो उनकी ड्यूटीज़ है वो अलग होंगे और कम जो बॉडी है उसके जो है अलग होने चाहिए। तीसरी बात, ये तीसरा कंडीशन, इट शुड हैव परपेचुअल सक्सेशन। सक्सेशन इट शुड हैव परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि वो जो है अगर बॉडी बनाने वाले सब के सब चले जाएं मगर फिर भी उसका क्या होना चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी भी है और उसका परपेचुअल सक्सेशन भी हो तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये क्या है, बॉडी कॉरपोरेट है। फोर्थ कंडीशन पे जाएंगे कि फोर्थ कंडीशन क्या कहती है हमें। फोर्थ कंडीशन ये है कि इट
should have the capacity of sue or being or be sued. यानि के उसकी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि वो केस भी कर सके, ठीक है, और उस पर भी केस किया जा सके. अगर कोई भी बॉडी इस चार कंडीशन को फुलफिल करें तो हम कहेंगे कि क्या है वो बॉडी, क्या है वो बॉडी, कॉर्पोरेट है. आगे इसको समझने के लिए हम कहेंगे कि अब कंपनीज जो है, कंपनी चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो क्या है, इनकॉर्पोरेट, मतलब वो रजिस्टर्ड हैं अंडर एनी लॉ. यानी कि अगर एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से वो रजिस्टर्ड है, अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड है, तो फर्स्ट पॉइंट इज फुलफिल. द सेकेंड, इट शुड हैव सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी. जैसे कंपनी है जिसकी जो अगर वो लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी में हम देखते हैं कि भाई कंपनी एक अलग नेचुरल पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन है और उसके जो मेंबर, सॉरी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और उसके जो मेंबर है वो नेचुरल हैं, तो हम देखेंगे कि उसके जो कंपनी जो है उसके जो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है भाई, ठीक है, यानी कि कंपनी के अलग ऑब्लिगेशंस हैं, कंपनी के अलग राइट हैं, और उसके जो मेंबर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं जो भी हैं, या जो है उनके जो अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हुए या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हुए, तो उनके राइट्स अलग हैं और कंपनी के राइट्स अलग हैं, उनके ऑब्लिगेशंस अलग हैं, कंपनी के ऑब्लिगेशंस अलग हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से यानी कि कंपनी जो है वो इस फर्स्ट कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है, सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है. अब थर्ड कंडीशन पे हम आते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के शेयर होल्डर मुकम्मल चले जाएं या कोई शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दे किसी थर्ड पर्सन को, कंपनी पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बात यह है कि कंपनी की जो है वो परपेचुअल सक्सेशन है. कंपनी जैसे आपने इनकॉर्पोरेट करवाई है इसी तरीके से वो कंपनी क्या हो जाएगी, उसी कानून के हिसाब से कंपनी खत्म हो सकती है, अदरवाइज कंपनी खत्म नहीं हो सकती. थर्ड वन, इट शुड हैव कैपेसिटी ऑफ सू और बी सूड. अब देखें, कंपनी केस भी कर सकती है भाई, किसी भी शख्स के खिलाफ केस कर सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स है जिसने कंपनी से कुछ लोन लिया हुआ है और वो लोन वापस नहीं कर रहा है, तो जो केस होगा वो कंपनी के नाम से ही किया जाएगा, ठीक है. और अगर कोई शख्स कंपनी पे केस करे तो वो भी कर सकते हैं. तो कंपनीज जो हैं वो क्या हैं, बॉडी कॉरपोरेट हैं. अब हम समझते हैं इस बॉडी कॉरपोरेट को मजीद, और हम कह सकते हैं के एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. जैसे हमने समझ लिया कि कंपनी जो है ये चार कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट. But every body corporate is not a company. हर एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, मगर हर एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है क्या ये कंपनी है? नहीं, मगर फिर भी ये बॉडी कॉर्पोरेट ही है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है. इसके जो है, इट शुड हैव सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, इसकी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी भी है. इट शुड हैव परपेचुअल सक्सेशन, इसका परपेचुअल सक्सेशन भी है भाई.
और इट शुड हैव द कैपेसिटी ऑफ सूड और बी सूड, और ये जो है सू भी कर सकते हैं और इस पर भी केस किया जा सकता है और ये भी केस कर सकते हैं। लिहाजा ये भी क्या है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। अब हम देखते हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जैसे कि हमारे पास है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP जो है ये एक्ट के तहत बनी है, और ये एक्ट जो था ये 1997 में पास हुआ था। यानी कि वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उसे कहते हैं जो कि अपने ही एक्ट के तहत बनी हो। यानी कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, अगर हम उसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कह रहे हैं, यानी कि इस लफ्ज से ही जाहिर है कि ये अपने ही एक्ट के तहत बनी है भाई। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वो भी अपने एक्ट के तहत बनी है 1973 के एक्ट के तहत, यानी कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अपने ही एक्ट के तहत बनी है भाई, और ये जो है 1953 है, इसके तहत बनी है। यानी कि वो तमाम के तमाम कॉरपोरेशन जो कि अपने ही एक्ट के तहत बनी हो, तो वो भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। अब यहाँ पर हम मज़ीद और समझेंगे कि जैसे कि एक कंपनी है एप्पल INC, एप्पल कंपनी जो है, एप्पल कंपनी, क्या ये पाकिस्तान जो पाकिस्तान का जो ये कंपनीज एक्ट 2017 या उससे जो पहले एक्ट था उसके तहत बनी है? नहीं भाई, ये तो उसके तहत, तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे पास ये एप्पल कंपनी है, ये पाकिस्तान की कंपनी तो नहीं है भाई, और ना ये रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, तो क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? जी जनाब, बिल्कुल बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये बॉडी कॉर्पोरेट है। क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि अ बॉडी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, मैंने ये नहीं लिखा है कि अ बॉडी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? तो चाहे वो रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान में या किसी फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड हो, मगर उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट ही है। तो लिहाजा अ बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, यानी कि वो बॉडी कॉर्पोरेट्स ही हैं। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एवरी कंपनी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज़ नॉट अ कंपनी। हर कंपनी जो है वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट ही है, मगर हर बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो कंपनी नहीं है। जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट ही है, मगर वो कंपनी तो नहीं है। इसी तरीके से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब कि वो कॉर्पोरेशन जो कि अपने ही एक्ट के तहत बने हो भाई, अपने ही एक्ट के तहत बने हो। जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997, और ये ऑपरेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1999 में। तो इसी तरीके से ये जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, ये भी अपने ही एक्ट के तहत बनी है, तो लिहाजा ये है जो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, इसको हम कहेंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इससे जो है जनाब, इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है 2000 कंपनीज एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में, इसको जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसका रीज़न क्या है, क्यों? इसका रीज़न ये है कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है भाई। रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। अब अगर हम ये कहते कि
ये कोई भी प्रोविजन हो, कंपनीज एक्ट 2017 का कोई भी प्रोविजन हो, अगर हम ये कहें कि भाई ये दिस प्रोविजन वुड बी एप्लीकेबल ऑल बॉडी कॉरपोरेट, ठीक है, और फिर मजीद हम कहें कि भाई अगर कॉरपोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उस पर एप्लीकेबल है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इससे थोड़ी बहुत जो है इनकन्वीनियंस पैदा हो जाती है। मतलब जो है इस इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए जो हमारे जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसने कहा कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लिहाजा हम इसको जो है एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं कि भाई ये जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी है वो बॉडी कॉरपोरेट ही नहीं है। ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि भाई ये बॉडी कॉरपोरेट ही नहीं है, हालांकि अगर ये रजिस्टर्ड हो तो ये भी, ये चार जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताए, ये चार कंडीशन, अगर कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड है तो वो इस चार कंडीशन को फुलफिल करती है। अगर कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी है रजिस्टर्ड है तो, इफ अ कॉरपोरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड देन इट आल्सो फुलफिल्स दिस फोर कंडीशन। तो लिहाजा अगर ये रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा इसको जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसी तरीके से आगे जो, अगर कोई गवर्नमेंट जो है किसी भी बॉडी को एक्सक्लूड कर सकती है, गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत के वक्त के पास ये पावर होगा, इसी एक्ट में कहा गया है कि अगर वो किसी बॉडी को एक्सक्लूड करना चाहे तो वो कर सकती है, वो एक्सक्लूड कर देंगे कि भाई ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है। तो लिहाजा वो कंपनीज चाहे वो पाकिस्तान में बनी हो या पाकिस्तान पाकिस्तान के पाकिस्तान से बाहर बनी हो, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो लाजमी हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी एक्ट के तहत हो अंडर एनी लॉ, और उसका जो है सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होनी चाहिए भाई, और शुड हैव परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, एंड इट शुड हैव कैपेसिटी ऑफ सू और बी सूड, यानी कि उस पर केस भी किया जा सके और उस पर जो है हम जो है वो उस पर केस भी किया जा सके और वो भी केस कर सकें। तो ऐसे अगर कोई बॉडी है तो उसको हम कहेंगे कि भाई वो क्या है, बॉडी कॉरपोरेट। और ये बॉडी कॉरपोरेट इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि भाई अगर एक प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल है तमाम कंपनियों पे, जो भी कंपनी है चाहे वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, चाहे वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है, अगर वो बोलें कि भाई दिस सेक्शन वुड बी एप्लीकेबल टू बॉडी कॉरपोरेट, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये बात जो है हमारे जहन में नहीं आना चाहिए कि भाई ये क्या वो कंपनी है जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या पाकिस्तान, जहाँ पर आ गया कि भाई बॉडी कॉरपोरेट तो हम समझ जाएंगे कि दिस सेक्शन वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज वेदर द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।